वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गुड आफ्टरनून। दोपहरी का टाइम हो रहा है तो मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट कर दी है। प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा। मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मुझे कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी दोपहरी का टाइम हो रहा है और सर्दी का टाइम चलता है, जैसे कि आपको पता ही है। तो थोड़ी थोड़ी देर में सर्दी में कुछ ना कुछ खाने का मन करता रहता है, काफ़ी अच्छा मौसम होता है। तो अभी मैंने थोड़े से फ्रूट्स काटे हैं, जैसे कि आपको पता ही है सीजन के फ्रूट चल रहे हैं। और अंकित बाहर जा रहा था तो मैंने उसको उठा के दे दिए थे। वो बोल रहा था कि मैं धूप में खेलने के लिए जा रहा हूँ। तो बस अभी मेरी भाभी आई हुई है और ये मेरी भतीजी है। सर्दी में मकर संक्रांति त्यौहार आता है, जो उसी के त्यौहार लेके आई हैं ये, और घूमने भी आई हैं अपने नानी के यहाँ पे, मामा के यहाँ पे, इसके मामा भी रहते हैं। तो यही चलता है संक्रांति के मूँगफली का जग और जो भी आपकी श्रद्धा हो, जैसे भी हो वैसे ही। और मेरी मम्मी ख़त्म हुई है अभी इसी साल, तो छोटा त्यौहार होता है, देना ज़रूरी होता है। तो आए हैं ये अपने देने के लिए। और अभी ये दोपहरी का टाइम हो रहा है, भाभी आई हुई है तो हम काट रहे हैं यहाँ पे सलवार, 4 मीटर वाली जो पटियाला सलवार होती है हम वही काट रहे हैं, मेरी बहन है। और हमने सोचा कि अभी ये भाभी को भी सिलाई आती है, सारे मिलके दिमाग चलाते हैं तो फिर ये चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, क्योंकि इतने परफेक्ट तो टेलर नहीं है हम भी। लेकिन हाँ, काम चलाओ जो होता है अपने लिए हम अपना सिल लेते हैं। तो हम काट रहे हैं 4 मीटर वाली पटियाला सलवार। तो पहले बेल्ट का कपड़ा वो हमने जो निकाला था बेल्ट का कपड़ा, और उसमें से अभी हमने ये पार्ट निकाल दिए हैं। पार्ट निकाले जाते हैं जितने आपको पहुँचे मोहरी मतलब की बनानी होती है सलवार की, उतने ही चौड़ाई के ये पार्ट करते हैं। और बाकी का जो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, जितना भी बचता है उसको हम ऐसे 2 भाग में बना के हम उसकी तह लगा के रख लेंगे। और इसमें से कटेंगे जितना भी ये कपड़ा बच रहा है, अभी इसमें से हम कली काटेंगे। तो ऊपर जो जितने हमें बेल्ट निकालनी होती है ऊपर निकाल के, और नीचे तक हमें जितनी सलवार की लंबाई लेनी होती है वो हम नाप लेते हैं, जितनी हमारी तैयार सलवार रहे। तो 7 या 8 इंच की बेल्ट होती है और उससे नीचे की जितनी भी लंबाई होती है वो हम रख लेते हैं सलवार की। और आसन लंबाई का निशान लगा के उसके बाद हम आसन का निशान लगा लेते हैं, और बस बीच में से निशान लग जाता है। बहुत ही इजी होती है सलवार, जैसे कि नॉर्मली सलवार होती है वैसे ये भी होती है पटियाला सलवार भी। इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन बस ये है कि ज़्यादा चौड़ी होती है और इसमें घूम ज़्यादा भरने पड़ते हैं। काटने का तरीका वही होता है, बस इसमें पार्ट है अलग से होती है। अगर हल्की नॉर्मली सलवार होती है तो वो हम ऐसे भी बिना पार्ट निकाले भी काट लेते हैं, उसी में ही 2.5 मीटर की जो सलवार होती है, 2.5 मीटर 2.25 मीटर की, तो वो पार्ट उसी में निकल जाते हैं कपड़े में ही। और जो ये 4 मीटर की होती है इसमें हमें पार्ट अलग से निकालने होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं 4 कली की सलवार, पटियाला सलवार। आसन का निशान लगा के और बस बीच में निशान लगा के अपना काट लेते हैं, बीच में कट लगा के, और बहुत ही ईजी है। कट गई, ये 2 भाग हो गए हैं और ये हो गई है हमारी कली। पार्ट हमने पहले ही निकाल लिए थे और ये आसन कट रहा है, जो अभी कट रहा है जितना हमें आसन लेना होता है 7 इंच की। जैसे मान लो हमारी बेल्ट होती है तो हमें 7 इंच ये होता है, 14 या 15 इंच का हमारा सारा मिला के आसन होता है बेल्ट से जोड़ के। तो ये आसन कट गया है, तो बस हो गई है हमारी पटियाला सलवार। और अभी हम इसको सिलेंगे सर्दी में, वैसे तो कुछ भी करने का मन नहीं होता है, लेकिन अभी हमने ये काटी है और काटी है तो इसको सिलेंगे भी, लेकिन अभी नहीं काट सिली, अभी बस हमने ये काट के ही रखी है। बस सारे तीनों ने मिलके हमने ये काट ली है। और शाम का टाइम हो रहा है, अभी खाना बना रही हूँ मैं, और खाने में मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। तो इसके पापा बोल रहे थे आज के पनीर तल के बनाना है, क्योंकि तल के बहुत ही कम क्या मैंने बनाया ही नहीं है कभी। तो इसके पापा ने कहीं खाया होगा
मेथी के तल के पनीर बना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस मैं वही इसके पापा की माइस पे बना रही हूँ, तल के पनीर की सब्जी, मटर पनीर की सब्जी बना रही हूँ और फ्राई करके पनीर बनाया है। तो मटर मैंने इसमें उबाल ली थी, एक सीटी लगाई है, घर की भी रखी थी मटर, जो अब तो मटर का सीजन चल रहा है। और इधर थोड़ी सी फोरक की थी गाजर, उनका हलवा मैं बनाऊंगी। तो थोड़ा थोड़ा बना लेते हैं, ज़्यादा एकदम से बनाओ तो गैस बहुत ज़्यादा फूकती है या फिर चूल्हे पे बनाना पड़ता है। तो थोड़ा थोड़ा दो तीन बार करके सर्दी में हमने बना लिया है, और सीजन की ही होती है गाजर भी। तो बस मैंने तल लिया है पनीर, और अभी इसमें मैं अभी मैंने प्याज काटी है, इनको हल्का ब्राउन होने तक हम इनको भूनेंगे, और उसके बाद इसमें अपने टमाटर वगैरह पीस के हम डाल देंगे। और उसके बाद जब ये सारी ग्रेवी हमारी तैयार, इधर मैंने छोक दी दूसरी गैस पे चावल छोक दिए हैं, तो मैंने चावल बनाए हैं, पूड़ी सुबह के टाइम ही हमने बनाई थी। तो अभी हम हल्का खाना खाएंगे, मटर पनीर की सब्जी और चावल। तो तड़का लगा के ही मैं बनाती हूँ चावल हमेशा ही, और नमक डाल के। तो मैंने ये प्याज और एक हरी मिर्च काटी है, और उसी में मैंने तड़का लगाया है। जीरे वाले भी बनाते हैं लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है जीरे वाले। और इधर मैंने इसी में छोटे से भिगोने में ही मैंने हलवा बनाया है। इधर धीरे धीरे दूसरी गैस पर ये बन जाएगा, और एक गैस पे मैं थोड़ा थोड़ा करके खाना बना रही हूँ। तो ये देखिए जी, सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है। बताना कैसी लग रही है। तो मैंने ये पनीर को तल के मैंने बनाई है, पहली बार ही मैंने बनाई है। मैं हमेशा ऐसे ही कच्चे पनीर वाली ही सब्जी मैं बनाती हूँ। तो और इधर से साथ के साथ जब तक खाना बनेगा, हलवा भी हमारा तैयार हो जाएगा। तो बाय बाय।